गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डाइजेशन फैट का कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले ओरल कैविटी तो हम लोग देखते हैं ओरल कैविटी में नो डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, देन हम लोग जो है वो ओरल कैविटी के बाद आ जाते हैं फैरिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नो डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, यहाँ पे भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, फैरिंग्स के बाद ओसोफेगस। तो यहाँ पे देखते हैं नो डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, यहाँ पे भी फैट का डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फूड आ जाता है कहाँ पे, स्टमक। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन स्टमक ओनली इमल्सिफाइड फैट गेट डाइजेस्टेड। ठीक है, सिर्फ इमल्सिफाइड फैट जो है वो डाइजेस्ट होता है। जैसे आप देखोगे कि इमल्सिफाइड फैट जो है वो किसके द्वारा, तो यहाँ पे सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज। इमल्सिफाइड फैट जो है उसको कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, तो फैटी एसिड प्लस, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, फैटी एसिड प्लस डाई, हम लोग क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये जो है डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। उसके बाद जो है वो फूड कहाँ पहुँच जाएगा, फैटी स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, कितने पार्ट, डिडेनम, जेजेनम और इलियम। ये तीनों पार्ट में फैट का डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग कितने पार्ट देखते हैं, थ्री पार्ट्स। पहला का नाम है फर्स्ट इन ड्यूडेनम। दूसरा इन जेजेनम, और थर्ड जो है इन इलियम। ठीक है,
ये तीनों जगह पे जो है वो डाइजेशन होता है किसका, फैट का, है ना। ये तीनों जगह पे जो है वो क्या होता है, फैट का डाइजेशन। हम लोग क्या देखते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, हम लोग देखते हैं क्या कि बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक लाइपेज, पेनक्रेटिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, सॉरी पेनक्रेटिक लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज किसके द्वारा, पेनक्रेटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज के द्वारा द फैट मॉलिक्यूल्स गेट डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये फैट मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट होता है वो आपका, हम लोग जो है वो देखते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज और पेनक्रेटिक लाइपेज के द्वारा जो है ये स्मॉल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, किसके द्वारा हो रहा है, तो सबसे पहले पेनक्रेटिक लाइपेज एंड सेकेंड इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये दोनों के द्वारा डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स जो रहता है, फैट मॉलिक्यूल्स आ रहा होता है, इस फैट मॉलिक्यूल्स पे सबसे पहले लगेगा बाइल। ओके, ये फैट्स पे जो है वो सबसे पहले लगेगा क्या, बाइल्स, कहाँ पे, तो ड्यूडेनम में, एक मिनट हम लोग जो है वो देखते हैं इसको, सबसे पहले क्या होगा कि ड्यूडेनम में, ओके, इन ड्यूडेनम, जैसे इमल्सिफाइड फैट जो है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, इमल्सिफाइड फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डाइग्लिसरॉल में टूट गया, लेकिन ड्यूडेनम के पास जो फैट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था जो उसके पास, उसमें कौन लगेगा, उसमें लगेगा बाइल, है ना, बाइल सॉल्ट। और बाइल का फंक्शन ही है ये इसको क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन करवा देगा, है ना, तो बन जाएगा इमल्सिफाइड फैट, यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट बन गया। अब इस इमल्सिफाइड पे, यही ड्यूडेनम में जो है वो कौन लगेगा, इसी इमल्सिफाइड फैट पे, है ना, इमल्सिफाइड फैट पे आकर के एक्ट करेगा, कौन एक्ट करेगा, तो पेनक्रिएटिक लाइपेज, कौन एक्ट करेगा, पेनक्रिएटिक लाइपेज। ओके, यहाँ पे एक्ट करेगा पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज, और ये पेनक्रिएटिक लाइपेज जो है इसको तोड़ देगा, इमल्सिफाइड फैट या डाइग्लिसराइड्स जो है उसको तोड़ देगा फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, किस में तोड़ दिया, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में उसको तोड़ दिया, ठीक है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में इसको तोड़ दिया, ओके, एंड मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ दिया, किसको, इमल्सिफाइड फैट को, पेनक्रिएटिक लाइपेज जो है वो तोड़ दिया, किसमें, फैटी एसिड एंड मोनो
ग्लिसराइड्स के फॉर्म में तोड़ दिया। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। उसके बाद जो है हम लोग देखें कि ये जो है वो आ जाएगा कहाँ पे, इसके बाद जो है ये पहुँच जाएगा आपका इंटेस्टाइन के पास। ओके, तो अब जो है वो फैट कहाँ पहुँचेगा? अब फैट पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट पे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट पे पहुँचेगा और वहाँ पे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इन इलियम, इलियम के पास जैसे आया कौन आएगा? इमल्सिफाइड फैट या फैटी एसिड और डाई और मोनोग्लिसराइड्स। यहाँ पे कौन पहुँचेगा? डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स। और इस पे जो है वो कौन लगेगा? तो यहाँ पे भी लगेगा कौन? यहाँ पे लगेगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज। और इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है इसको ब्रेक डाउन कर देगा किस फॉर्म में? तो इंटेस्टाइनल लाइपेज इसको तोड़ देगा आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में। हम लोगों ने क्या देखा कि माउथ में डाइजेशन फैट का नहीं होगा, फेरिंग्स में नहीं होगा, ओसोफेगस में नहीं हुआ, लेकिन स्टमक के पास आया तो वहाँ पे जो है वो इमल्सिफाइड फैट, जैसे जो फैट हम लोग खाए उसमें जो स्मॉल इमल्सिफाइड, मतलब क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो फैट है उसका डाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो फैट जो है वो जो स्ट्रॉन्ग फैट है या फैटी एसिड फैट के फॉर्म में है उसका डाइजेशन नहीं होगा। वो जब ड्यूडेनम के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पास पहुंचेगा तो सबसे पहले बाइल उस पर एक्ट करता है और उसको इमल्सिफाइड फैट यानी कि उसको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। उस इमल्सिफाइड फैट पे पेनक्रेटिक जूस लगेगा और पेनक्रेटिक जूस जो है इसको क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग देखे थे कि पेनक्रेटिक गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो फैटी एसिड और ड्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में तोड़ता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा पावरफुल होता है तो ये मोनोग्लिसराइड्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन कर देगा। ओके, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या कि ये जेजेनम और इलियम के पास पहुँचेगा, वहाँ पे लगता है कौन सा जूस? तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, और इंटेस्टाइनल लाइपेज उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसको? जो डाइसेक्राइड यहाँ था, डाइग्लिसराइड्स यहाँ था, मोनोग्लिसराइड्स यहाँ था, उसको ये तोड़ देगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? फैट्स का, और ये फर्दर इसके बाद डाइजेस्ट नहीं होता है, है ना। हम लोग देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट ये क्या है आपका, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट, ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है, और ये क्या होता है? एब्जॉर्ब, ये आपका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब्ड। ओके, इसको हम क्या क्या लिया जाता है? एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है फैट का वो कहाँ होता है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तो चांस फैक्टर है कि हम लोग जो फैट खा रहे हैं अगर इमल्सिफाइड फॉर्म में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड इज ए
ऑर्गेनिक एसिड, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और ये दो तरह का होता है, एक डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी एक डीएनए और एक आरएनए। ओके, तो हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। सबसे पहला फर्स्ट बकल कैविटी, बकल कैविटी हम लोग देखते हैं, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड हम लोग आ जाए तो वो क्या है आपका, फेरिंग्स। यहां देखते हैं क्या, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यहां भी नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जो है वो क्या आ जाएगा, ओसोफेगस। ओसोफेगस, ओसोफेगस में हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे भी नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहां पे, स्टमक। स्टमक यहां पे भी नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, ऑल न्यूक्लिक एसिड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल डाइजेस्टेड इंटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सारा का सारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का, न्यूक्लिक एसिड ये कितने तरह का है, दो तरह का, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम आता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का, डीएनए और आरएनए। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो डाइजेस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड, और ये जो है इस पे लगता है कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेज, कौन लगेगा, न्यूक्लियेज। और ये न्यूक्लियेज जो है इसको डाइजेस्ट कर देगा किस फॉर्म में, तो ये इसको डाइजेस्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्लस न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का, दो तरह का है, डीएनए और आरएनए। चलिए यहीं पे हम लोग लिखते हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का है, दो तरह का, एक का नाम है क्या, डीएनए और एक का नाम क्या है, आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए पे ये जो न्यूक्लियेज है वो कौन न्यूक्लियेज लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा डीएनएज। और ये डीएनए जो है वो एंजाइम है और ये इसको डाइजेस्ट कर देगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, डी
ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, इसको ये डाइजेस्ट कर दिया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। दूसरा जो एंजाइम आया वो कौन है, आर एन ए, और ये आरएनए जो है ठीक है, इस पे लगेगा कौन, आरएनएच, आरएनएच, और ये आरएनएच जो है उसको डाइजेस्ट कर देगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है। डीएनएच डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनएच राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में डाइजेस्ट कर दिया। ओके, अब जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है, और ये आपका एक जो काम होता है ये न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस जो एंजाइम सेक्रेट करता है, ये आपका कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इन ड्यूडेनम में, कहाँ पे होगा, इन ड्यूडेनम। ओके, अब जो है ड्यूडेनम के बाद ये फूड जो है वो कहां पहुंच जाएगा, इलियम के पास। ड्यूडेनम के पास ये फूड सब पहुंच जाएगा कहां पे, इलियम के पास। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन इलियम। ओके, और इलियम में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे सक्कस इंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसका नाम क्या है, सक्कस इंट्रिकस के द्वारा जो है वो दो एंजाइम सीक्रेट करेगा, जो एक एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स पे, है ना, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है उस पे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये दोनों पे एक्ट करेगा कौन, न्यूक्लियोटिडेज, एंजाइम का नाम क्या है, न्यूक्लियोटिडेज। क्या नाम है उसका, न्यूक्लियोटिडेज, और ये न्यूक्लियोटिडेज जो है उसको तोड़ देगा किसमें, न्यूक्लियोसाइट्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइट्स प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट ठीक है। दूसरा जो है न्यूक्लियोसाइट्स, दूसरा जो एंजाइम आएगा वो क्या आएगा, न्यूक्लियोसिडेज, है ना, और वो एक्ट करेगा किस पे, न्यूक्लियोसाइट्स, और इस एंजाइम पे एक्ट करेगा कौन, तो इस एंजाइम पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोसिडेज, इस पे न्यूक्लियोसाइट पे एक्ट करेगा कौन, है ना, न्यूक्लियोसिडेज, और ये इसको डाइजेस्ट कर देगा नाइट्रोजिनस बेस प्लस सुगर, ठीक है, इस फॉर्म में डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि ये सिंपल फॉर्म में आ गया, सुगर आ गया यानी मोनोसेक्राइड आ गया, इससे भी अब ये डाइजेस्ट हो गया, अब इस ये जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। तो ये काम हुआ किसका, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, जो कहाँ पे टोटली जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन तो हो गया है ना, न्यूक्लिक एसिड का हम लोग देख लिए, प्रोटीन का देख लिए, कार्बोहाइड्रेट का देख लिए, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके,
एब्जॉर्प्शन। यहाँ डीएनए के दो फंक्शन को जान लिए, एक तो डीएनए जो है यानी न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, और दूसरा जो है वो इसका काम है एनर्जी देने का भी। अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ओके। तो एब्जॉर्प्शन क्या है हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रेंट द प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रेंट्स पास फ्रॉम फ्रॉम गट न्यूट्रेंट पास फ्रॉम गट इंटू द ब्लड एंड लिम्फ इंटू द ब्लड एंड इंटू द ब्लड एंड लिम्फ थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड या द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉरी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं 90% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। 90% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड 10% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इन लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। 90% जो डाइजेशन का काम होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ओनली 10% डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन का सॉरी 90% एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में, 10% एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन टाइम में। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन मोनोसैकेराइड फॉर्म फॉर्म मोनोसैकेराइड्स फॉर्म बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोनोसैकेराइड फॉर्म बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। और ये तो पता है कि कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन इन द एमिनो एसिड फॉर्म
एसिड फॉर्म, एमिनो एसिड फॉर्म डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द एमिनो एसिड फॉर्म, एमिनो एसिड के फॉर्म में होगा बाय, कैसे होगा, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर बाय, ये तो डाइजेस्ट होता नहीं है, तो बाय ऑस्मोसिस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम लोग देखते हैं क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। एंड इसके बाद हम लोग देखें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओके, किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो सारा जो काम होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और हम लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मिसेलस, MICELS, मिसेलस, और यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, डिफ्यूज इनटू इंटेस्टाइनल सेल, ये डिफ्यूज करता आगे, डिफ्यूज इनटू इंटेस्टाइनल सेल, डिफ्यूज करता है इंटेस्टाइनल सेल के साथ, है ना, डिफ्यूज इनटू इंटेस्टाइनल सेल और कन्वर्टेड इनटू काइमोमाइक्रोन, है ना, काइमोमाइक्रोन, ओके, CHYO, काइमोमाइक्रोन के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है एंड कैरीड बाय लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल, एंड कैरीड बाय, लोग देखते हैं, एंड कैरीड बाय लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज, है ना, ये किसके द्वारा, लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं, लैक्टियल के नाम से जानते हैं, ठीक है, लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं, जो हम लोग वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखाए भी थे, ठीक है, कि ये लैक्टियल जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में मदद करता है। तो यहाँ पे फैट का जो है डायरेक्ट फैटी एसिड नहीं, वो सबसे पहले जो है सेल के साथ फ्यूज करता है, मिसेलियस आने सेल के साथ फ्यूज करना, फिर वो काइमोमाइक्रोन में ट्रांस कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन का काम, जो कि हम लोग देखें कि एब्जॉर्प्शन जो है 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में और 10% लार्ज इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में,
प्रोटीन एमिनो एसिड के फॉर्म में, फैट जो है वो ग्लिसरॉल फैटी एसिड के फॉर्म में, है ना, इस तरह से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन और कुछ कुछ और चीज़ें जो आती है, तो ये सब एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन अगर हम लोग बात करें तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसका बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचना प्रोसेस क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।